इसलिए सब देखना है ना। वो पांच छह मिनट कम से कम रहेंगे। अरे आप आपके लिए मिनट का कौन गारंटी? हाँ हाँ कोई बात नहीं, अपने शशिकांत आने राहुल राज भाई पोइट्री अड्डा से शूट कर रहे हैं, ओवैस चंदौली चंदौली भाई शूट कर रहे हैं, जितने मीडिया यहाँ उपस्थित है मैं सबको तहे दिल से सलाम करता हूँ। मेरे प्रिय मित्र देश का वो कवि और शायर जिसने एक खास मुकाम बनाया चैनलों से लेकर बड़े बड़े मंचों तक, देश के बड़े बड़े शहरों में जिसने अपने हास्य का डंका बजाया और बनारस ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की शान बढ़ाई, ऐसे मेरे प्रिय मित्र साण बनारसी के प्रिय शिष्य दमदार बनारसी के लिए तालियां चाहता हूं सर, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ही सरल है। लोगों के आने जाने से क्या होता है, मैं एक शेर अभी दमदार बनारसी पे बना के लाया हूँ और आज की इस घटना जो उनके साथ घटाई है कुछ लोगों ने, मैं उनको जवाब दूंगा एक शेर के माध्यम से उस आदमी के लिए जो आदमी नसीर अहमद बबलू खान के साथ खड़ा होकर के देश में एकता की तहजीब फेंक रहा है। मैं उस आदमी के लिए चार पंक्तियां कहा, मैं दमदार बनारसी के लिए ये पंक्तियां कहा, दमदार बनारसी नहीं कह पाया लेकिन मुझको कहना पड़ा उसकी हिमायत में, कहने पर जो है, पीपल की नीम की मैं बरगद की छांव हूँ, बना रहा हूँ बना नहीं है, पीपल की छांव की मैं बर पीपल की नीम की मैं बरगद की छांव हूँ, रहता हूँ शहर में तो क्या एक गांव हूँ, अब मुझको मिटाने वाले कई आए और गए लेकिन हिलाना पाए मैं अंगद का पांव हूँ। किसी के आने न जाने से मुशायरा खराब नहीं होता, सिर्फ अंबर भाई को बुला लो मुशायरा कामयाब हो जाएगा, क्योंकि अंबर भाई ने एक शायर भी है एक शायरा भी है, मेरा इतना बड़ा दायरा भी है, मैं देख रहा हूँ मेरे लिए कितना जमा मुशायरा भी है। और लोग कहते हैं भीड़ कम है, इसका मतलब कि आप कमजोर शायर हैं कवि हैं। जो पेड़ों को कविता सुनाए, महुए का पेड़ पकड़ के आप खड़े हो जाइए, हाँ महुए भाई एक शेर से, आम का पेड़ पकड़ के खड़े हो जाओ, हाँ आम भाई तू कितना मीठा फल देता है, एक शेर से। जो पेड़ों को पशुओं को पक्षियों को कविता सुना सकता है उसे भीड़ की जरूरत क्या है। मैं भीड़ का कवि नहीं हूँ, मैं भाड़ का कवि हूँ, जब भीड़ भाड़ में चली जाती है तब मेरी कविता वहां पर जन्म लेती है। मैं दिल्ली का वो नहीं हूँ जो 14 लाख लेता है, मैं वो नहीं हूँ जो ये रखता हूँ, मैं वो नहीं जो लड़कियों को अपने हेल्पर बनाता हूँ, मैं खुद अपने से अपने रास्ते चुनता हूँ। इसलिए कहा जो है आपके लिए आपके प्यार के लिए, मुझे जल्दी से खत्म करना है इसलिए जल्दी जल्दी लहरा के निकल जाना। मेरे दोस्त जनाब साहिल मिर्जापुरी बैठे साथ में, सिद्दी साहब साहिल मिर्जापुरी मेरा खास दोस्त, ये बहुत अच्छा शायर बैठा हुआ है, मैं उनको ढेर सारी दुआओं से नवाजता हूँ, सलाम करता हूँ। जितने मेरे सामने बैठे हैं मैं सबको सलाम करता हूँ। अब मेरे बीच में अजफर बनारसी साहब ने बहुत अच्छे शेर पढ़े और भाई नसीर अहमद बबलू को एक बार फिर दुआएं देता हूँ, बहुत अच्छा है। हमारे बीच में अहमद आदमी साहब हैं और हमारे बीच में कैसर भाई और गुलशन इलाहाबादी हैं और रश्मि पहरी किरण दिल्ली से चलकर आ गई। मैं तो यार आपके घर आंगन का हूँ, मैं वैसे भी आता जाता रहता हूँ, लेकिन कहते हैं जो है उसकी रग रग में बेवफाई है। श्री धर्मराज उपाध्याय मेरे बड़े भाई हैं और ये कोतवाल के साथ साथ इतना सरल हृदय है कि हम क्या बताएं।
उधर के जितने भी कार्यक्रम होते हैं सीतापुर लखनऊ के, कोई भी पंच दायित्व के बिना नहीं सकता है। इतनी सरलता ये है कि ये दमदार बनारसी के प्रिय मित्रों में से हैं, और शायद हम भी मित्रों के सर्किल में आते हैं। हमको भीड़ की जरूरत नहीं है, हमको उन लोगों की जरूरत है जो मुशायरा इन विपरीत परिस्थितियों में कराने की एक हिम्मत रखते हैं। सही बात, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। सही बात, इसलिए मैं देश का सबसे बड़ा हूँ। कभी कभी वो नहीं जो कविता में बड़ा हो, कभी वो है जो दिल से भी बड़ा हो, कभी वो नहीं जो इस पे खड़ा हो। अरे ये तो मिलेगा ही जब आए हैं, लोग देंगे ही, ले थोड़ो लेंगे, प्लस ही करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। इसलिए अंबर भाई कहते हैं जो है, उसकी रग रग में बेवफाई है, जिसकी कोई नहीं दवाई है, जाने ना जाने कब नाम चेंज कर दे मेरा, मेरा महबूब भाजपाई है। एक एक पैसे अंदाज है। मेरी खास आदत है कि मैं नए नए शेर पढ़ता हूँ, चाहे जय बाला चाहे कले बुला। इमरान बनारसी जो मरहूम रियाज बनारसी के बेटे हैं, वो हमारे बीच बैठे सुन रहे हैं। मैं उस नौजवान तरुण की शायर को सलाम करता हूँ, और अपने बड़े भाई प्रकाश मिर्जापुरी को मैं बहुत दुआओं से नवाजता हूँ। उन्होंने हमको बहुत कविता की तमाम कड़ियाँ सिखाई। मैं उनको प्रकाश मिर्जापुरी बहुत अच्छा शायर कवि है, जिसने तमाम कवि कवियत्रियों को अपनी कविताएं दी। ऐसे तमाम हिंदू मुसलमानों का ये जो दो आबा बैठा है, कहते हैं बहता हुआ रगों का लहू भी न सर्द हो, कुर्बान अपने मुल्क पे हर एक मर्द हो, कैसे मोहब्बत दोनों दिलों में हो, कि हिंदू को लगे चोट तो मुस्लिम को दर्द हो, हिंदू को लगे चोट तो मुस्लिम को दर्द हो। ऐसा होना चाहिए, ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहिए, ऐसा वतन बनाना चाहिए। तब अंबर भाई ने कहा जो है, बड़े प्यार से सुन लिया, कहते हैं जो है, आएगी उम्र भर का रोना लिए हुए, आंखों में अपने जादू टोना लिए हुए, इस लॉकडाउन में जो भी शादी करेगा उसको मिलेगी दुल्हन का रोना लिए हुए, आएगी उम्र का। देखो बहुत बढ़िया गा रहे हैं, इतना बढ़िया गा रहा जैसे लता मंगेशकर गा रहा है, मोहम्मद रफी मेरी तरफ आ रहा है, किशोर कुमार मुझे ऊपर बुला रहा है, महेंद्र कपूर खेत में खड़ा चिल्ला रहा है, ऐसे गीत गा रहा है। लेकिन मैं देश का ऐसा कवि हूँ जो नमक के बोरे पर चीनी का लेबल लगाकर चींटियों को भी बेवकूफ बनाता। आप काशी के पढ़े लिखे अपने सामाइन हो यार, इसलिए कुछ शेर यहाँ से भी सुनाते हैं जो है, आदमी में अगर, देखिए कितना बढ़िया कोशिश कर रहा पढ़ा, मुशारा कितना कामयाब हुआ ये अंदाजा जाएगा यूट्यूब से, जब हमारे व्यूअर्स बढ़ेंगे मिलियनों में तब आप देखेंगे ये शायर इन कुर्सियों का भूखा नहीं है, आज का शायर का नाम का भूखा है, दाम का नहीं। मेरे जैसे शायर अगर नाम कमाते हैं तो आपके दम पे कमाते हैं, क्योंकि आप सुनते हैं और ये चुनते हैं, नहीं तो हमारा आना कहाँ होगा। इसलिए कहते हैं जो है, मेरे मेरे निजामत कर रहे संचालक मेरे बड़े भाई शंकर कैमूरी, पता नहीं इनके घर में कैमूरी जय मूरी रहा थे तो खा गया थे शंकर कैमूरी, इनकी औरत पूछती है शंकर कैमूरी लाए, तो कहें कि आप समझ नहीं था, इधर शंकर कैमूरी और उधर उधर अपनी जो है स्थिति ऐसे हो गई। चार पंक्तियां यहाँ से दो पंक्तियां ऐसे कहूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। आदमी में अगर आदमी की तरह, रश्मि जी
जैसे कि आपको देखूं तब कहूं तो कितना अच्छा लगेगा कि आदमी ने अगर आदमी की तरह आदमीयत न आए तो मैं क्या करूं। थोड़ा तेज कर लिया। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमीयत ना आए तो मैं क्या करूं। देखने में भला खूबसूरत हूँ मैं, तेरी नीयत ना आए तो मैं क्या करूं। क्योंकि दीवाने हैं दीवानों को न धन चाहिए, मोहब्बत भरा तेरा मन चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न धन चाहिए, मोहब्बत भरा तेरा मन चाहिए। ये हंसता हुआ वतन चाहिए और खिलता हुआ ये चमन चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न धन चाहिए। क्यों? अभी तो जेल जाना है, अभी तो थाना बाकी है, अभी तो इश्क में कुछ लात हमको खाना बाकी है। मेरे महबूब रुक जाओ, मेरी जानिब को झुक जाओ, तुम्हारा चाहने वाला अभी दीवाना बाकी है। अभी तो मंच बाकी है, मेरा नजराना बाकी है, अभी तो तालियां खुलकर यहाँ बजाना बाकी है। ये कोई कविता है? ये कोई कविता वक्ता थोड़ा है, लेकिन हम सोचते हैं जोड़ा कैसे जाए और इस टूटी महफिल में बम फोड़ा कैसे जाए। मैं सोचता हूँ कि छोड़ा कैसे जाए, इस टूटी महफिल में बम फोड़ा कैसे जाए, और जहाँ लोगों ने अपने गधे छोड़े वहाँ ये मेरा घोड़ा कैसे जाए। इसलिए आओ बिल्कुल आपको सुन, और मैं बहुत प्यार से आप लोग सुन रहे हैं। मुझे एक शेर याद आया, रश्मि ओरिजिनल कवियत्री है देश की, एक ओरिजिनल कवियत्री है। रश्मि ने कई प्रोग्राम कराए और इनका पूरा, इनका बहुत बड़ी संस्था है, काव्य की संस्था है, पूरे देश में रश्मि अपने मंच लगाती है। दो तीन मंचों से हमको भी जोड़ा, और ये रश्मि बहुत संघर्षशील बेटी है। मैं इनको बहुत सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और गुलशन इलाहाबादी भी हूँ मैं, उनको बहुत सलाम करता हूँ तहे दिल से। अपने शहर की शायरा है, इतना अच्छा पढ़ती है, मुझे उसका अंदाजा नहीं था। एकाएक किसी के ना आने से इनका आना हुआ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ऐसे लोग जो सरलता से आए उन्हें हर साल बुलाएं, बशर्ते कि वो हर साल बुलाएं लेकिन उन्हें बाइजर भेजने की भी कोशिश करें। कुछ लोग कहते हैं आप बहुत जम गई, बहुत जम गई, तो वो कहते हैं क्या यही जम गया है क्या? अरे निकलेंगे भी की जाएंगे, तो इसलिए अच्छे से कहते हैं। घर का तमाम खर्च वो अहमद आदमी साहब, घर का तमाम खर्च वो खुद ही उठा रहा है, करके वो कारनामे रोटी जुटा रहा है। मजबूरियों ने उसका बचपन चुरा लिया, पढ़ने की उम्र में वो सर्कस दिखा रहा है। ऐसे शेर भी कहे जाए जो आपको सुनने में और समझने में भी अच्छा लगे।